गुड इवनिंग सर। सर आज अदालत ने आदेश दे दिया है कि उसी पे कायम रहेंगी अदालत जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है, क्या आपका क्या रुख रहेगा, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन राइट नाउ? नहीं, उसी वक्त सुपरिटेंडेंट जेल जो है, क्योंकि जिसको वारंट दिए उसने वारंट वापस कर दिए और उनके एग्जैक्ट लफ्ज हैं कि दैट ही इज अनेबल एंड डिसेबल टू डू दिस, क्योंकि इसमें लीगल बहुत सारे पॉइंट हैं। मेन पॉइंट इसमें जो है, जो कि लॉ ऑफ द लैंड है कि, और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहे हैं कि अगर किसी केस के क्यू को अक्यूज्ड की अपील चल रही हो तो जब तक उसका फैसला नहीं होता तब तक कोई एक्शन नहीं हो सकता। अब इसी केस में दो मुलजमों की अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई खुद अपील करे तब वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील माने। अगर कोई और केस चल रहा है उसमें खुद ब खुद भी वो इस तरह के बहुत सारे फैसले हुए हैं कि वो सज़ा कम भी कर सकते हैं, सज़ा बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट को, क्योंकि कल को अगर कोई आदमी को सज़ा हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? टेक्निकल लीगली उनको, उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल ने लीगली देख कर, क्योंकि इट इज़ अप टू द सुपरिटेंडेंट जेल। सुपरिटेंडेंट जेल का ये होता है कि हमने एक्ट पढ़ा है सारा, कि वो ये नहीं है कि ये हुक्म है तो वो ब्लाइंडली मान ले, ही हैज़ टू थिंक ऑल अबाउट इट। तो आफ्टर ऑल ये सब उसने देखे तो उन्हें कहता है कि मैं वारंट नहीं लूँगा क्योंकि इससे ये लीगली ठीक नहीं है, तो उन्होंने वापस कर दिए। अब ये नहीं, हमें उन यही प्ली है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है कि जब अपील चल रही है तो उसको तक वेट कर लें, क्या उसके रिजल्ट निकलते हैं। तो आपका मेन कंटेंशन इज दैट बिकॉज़ द को एक्यूज्ड केस इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, दैट इज व्हाई यू शुड नॉट। मेन तो यही है, दूसरा थोड़ा सा टेरिटोरियल भी है कि ये केस चंडीगढ़ में हुआ है, वहाँ की कोर्ट ने फैसला किया, वकूआ भी वहाँ का हुआ है, तो सब कुछ वहाँ का है। जो पंजाब के साथ तो एग्रीमेंट ना समझो, थोड़ा था कि इसने अपील की थी हाई कोर्ट में और केस उसके ऊपर था कि मुझे जाने के लिए जो है मुझे पटियाला जेल भेज दी जाए, तो हाई कोर्ट के हुक्म से वहाँ पटियाला जेल एज कस्टडी भेजा था। तो ये, लेकिन ये ग्राउंड से ज़्यादा सबसे बड़ी ग्राउंड यही है के को क्यूज की अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सर कितनी अभी सिक्योरिटी, व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी सिनेरियो इज देयर इन पंजाब राइट नाउ? एवरीथिंग कोई अभी तक आपने देखा? सो बट फियर दैट समथिंग दिस को देश, ये सारे देश के लोगों को सोचना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि इसमें सोचें वो, जिससे पंजाब का भला हो, देश का भला हो, हम तो इतना ही कह रहे हैं। सर मेनी बिलीव दैट रिलीजियस बॉडी इज डिक्टेटिंग टर्म। नहीं नहीं, रिलीजियस बॉडीज आर नॉट डिक्टेटिंग, इट्स अ लीगल मैटर। Where does the legal party comes or government comes? ये सिर्फ लीगली आप जो है जेल अथॉरिटीज जो हैं वो सारा देख रही हैं और सब ये महसूस कर रहे हैं। इवन सरा बेन सिंह की फैमिली ने और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ये सिचुएशन को समझ कर ये कहा है कि ये होना चाहिए, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीस ऑफ द स्टेट। आप पीएम से भी मिलेंगे? आज जब आए हम से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। आज हम लीगल एडवाइस अब जेठ मलानी जी से टाइम मांग रहे हैं और एक तो और किलो को मिले कि व्हाट लीगली वे वी कैन। सो टुमारो सर आपका व्हाट विल बी योर शेड्यूल लाइक? नहीं, अब तो मैं वापस जा रहा हूँ, कल को सेशन है। अच्छा, फिर आप आएंगे? हाँ, कल को फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच।